Today, my topic is canal regulator, नहर नियंत्रक। कैनाल रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि जो आप कैनाल में जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को नियंत्रित करने के लिए जो रेगुलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बोलते हैं कैनाल रेगुलेटर। ये जनरली आपको थ्री टाइप्स के मिलेंगे, हेड रेगुलेटर। सेकेंड है इसका टाइप क्रॉस रेगुलेटर। एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर। ठीक है ना साहब। अब जैसे इसको अपन देखते हैं डायग्राम में, जैसे सपोज ये आपका मेन कैनाल है, सपोज दिस इज द मेन कैनाल। ठीक है ना, दिस इज द मेन कैनाल। इसमें सपोज फ्लो की डायरेक्शन ये है। ठीक है ना सर। अब इस मेन कैनाल के वाटर को आप सपोज डाइवर्ट करते हो तो आपको ब्रांच कैनाल देना पड़ेगा जो कि मेन कैनाल से 90 डिग्री पे जनरली रहती है। इसका आप एंगल 92 110 डिग्री तक ले सकते हो। आपको बेस्ट अलाइनमेंट चाहिए तो मेन कैनाल से इसका एंगल आपको जीरो से स्टार्ट करते हुए आपको इंक्रीज करना है स्मूथली, ताकि आपको ट्रांजिशन सेफ मिले। ठीक है ना सर। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्रांच कैनाल है, ठीक है ना, ये जो ब्रांच कैनाल आपकी दिख रही, ये तो मेन कैनाल है। ये जो ब्रांच कैनाल है, कैनाल कोई भी हो, ब्रांच हो या मेन हो, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हेड। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द हेड। और जो लास्ट पॉइंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टेल। तो ये जो है आपका ये हेड है और यहाँ पे जो आपने रेगुलेटर प्रोवाइड किया है दिस इज कॉल्ड हेड रेगुलेटर। ठीक है ना सर। ये हेड रेगुलेटर के क्या यूज है, तो टू रेगुलेट द डिस्चार्ज फ्लोइंग इनटू ब्रांच कैनाल, टू रेगुलेट द डिस्चार्ज फ्लोइंग इनटू ब्रांच कैनाल, टू स्टॉप सिल्ट पार्टिकल इंटरिंग इनटू, टू स्टॉप सिल्ट पार्टिकल इंटरिंग इनटू ब्रांच कैनाल। ठीक है ना सर। ये हेड रेगुलेटर का यूज है। अब आप इस हेड रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में, ये इसका डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप है। तो हेड रेगुलेटर के आप डाउन स्ट्रीम में जो आप रेगुलेटर प्रोवाइड करते हो मेन कैनाल या पैरेंट कैनाल में, उसको आप बोलते हो क्रॉस रेगुलेटर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेगुलेटर। अब इसका क्या काम है, क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या है, टू डिजायर हेड टू डिजायर सप्लाई टू डिजायर स्टोरेज एट हेड ऑफ ब्रांच कैनाल। इसके लिए आपने क्या दिया है, क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है ना सर। अब आप देखो, क्रॉस रेगुलेटर आपको डाउन स्ट्रीम में ही देना, अप स्ट्रीम में आप नहीं देते हो, क्योंकि अप स्ट्रीम में यदि आप देते भी हो तो आपका ये जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं होगा। आपको डिजायर हेड नहीं मिलेगा ब्रांच कैनाल में, डिजायर सप्लाई आप नहीं मिलेगी, आपको स्टोरेज भी नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से आप इसको डाउन स्ट्रीम में ही प्रोवाइड करते हो। अब आप देखो, ब्रांच कैनाल के बाद आप इसके पानी को भी यदि आप डाइवर्ट करते हो तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये है जो है ये हेड हो जाएगा और ये टेल। तो स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आपने जो हेड में रेगुलेटर दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर हो जाएगा। ठीक है ना सर। अब आप यहाँ देखो, तो आपका फ्लो इधर से इधर है। ठीक है ना सर।
अब आपको यदि बोला जाता है कि सपोज ये आपकी कैनाल है, मेन कैनाल, ये आपकी ब्रांच कैनाल है, ठीक है ना, ये मेन कैनाल, ये ब्रांच कैनाल, और आपको रेगुलेटर एक यहाँ दे दिया गया और सपोज एक यहाँ दे दिया गया, और आपसे पूछते हैं कि आप बताओ कैनाल में फ्लो किधर से किधर होगा, ठीक है ना सर। एक आपको केस में आपको बताता हूँ, जैसे सपोज एक रिवर है, ये नॉन मानसून में ड्राई हो जाती है, या पानी है अभी तो स्टेगनेंट, तो रिवर में चौड़ी रिवर है, रिवर में स्लोप ऐसा रहेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि रिवर इधर बह रही है इधर बह रही है, तो आप आसपास के जो रिवर के आसपास के लोग हैं उनसे पूछोगे भाई साहब ये रिवर किधर बह रही है, इधर या इधर, तो वो बोलेंगे साहब इधर बह रही है, तो आप बोलोगे अच्छा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको ये चीज तो पता है ना कि ब्रांच कैनाल के डाउन स्ट्रीम में आपको हेड रेगुलेटर देना है, सॉरी क्रॉस रेगुलेटर देना है, ये तो हेड रेगुलेटर ही है, ब्रांच कैनाल के डाउन स्ट्रीम में आपको क्रॉस रेगुलेटर देना है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम है, तभी तो आपने यहाँ क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड किया है, और इसका मतलब फिर ये अप स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब रिवर का सॉरी कैनाल में फ्लो जो है वो इधर है, ठीक है ना सर। अभी रेगुलेटर की भी शेप साइज डिपेंड करती है विड्थ के ऊपर कैनाल की, ठीक है ना, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है जो रेगुलेटर आपने दिया है इसमें ग्रिड लगे रहते हैं और वो आप ऑपरेट करते हो मैनुअली या मैकेनिकली, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।